फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। लगातार विवादों के घेरे में कैद भारत का पहला फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल, अब जब आखिरकार भारत को मिल गया है तो एक बार फिर विवादों ने जन्म ले लिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में शस्त्र पूजा करने के साथ ही राफेल विमान को रिसीव किया, लेकिन भारत में राफेल का इंतजार काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसका वेलकम काफी स्पेशल होना तो बनता था। इसलिए इस दौरान राजनाथ सिंह ने राफेल पर नारियल चढ़ाया, ओम का निशान बनाया और राफेल के पहियों के नीचे नींबू भी दिखाई दिए। लेकिन रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए इस जेस्चर से अब काफी सवाल खड़े हो गए हैं और सरकार पर निशाना साधा गया है। शस्त्र पूजा की विपक्ष जमकर आलोचना कर रहा है। कांग्रेस ने राफेल शस्त्र पूजा को मोदी सरकार का ड्रामा बताया है। इसी बीच धर्मगुरु आचार्य प्रमोद का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें लिखा है, रक्षा मंत्री हिंदू हैं तो राफेल को रोली चंदन लगाकर ओम लिखा गया, लेकिन अगर मंत्री मुसलमान होता तो क्या अजान देता। ऐसा लगता है अब संविधान से सेक्युलर शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस तरह की पूजा करने पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राफेल विमान रिसीव करने पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि ये काम केवल वायुसेना ही कर सकती थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नया लड़ाकू विमान ही है जो हमें मिल रहा है। राफेल विमान पर नींबू पर उन्होंने कहा है कि विजयादशमी और राफेल विमान की जोड़ी मैच नहीं खाती। संदीप दीक्षित बोले कि दशहरा एक त्योहार है जिसे हम सभी मनाते हैं, लेकिन आप इसे आने वाले एयरक्राफ्ट से क्यों जोड़ रहे हैं। इस सरकार की यही दिक्कत है कि काम करने के साथ साथ नाटक ज्यादा किया जाता है। यहाँ आपको ये बता दें कि ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि राफेल की इस शस्त्र पूजा ने सोशल मीडिया पर भी कोहराम मचा दिया है। इस पूजा से एक नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दुनिया ने ऐसा कुछ देखा हो, या फिर कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि भारत ने आखिरकार राफेल को देसी बना दिया। इसके अलावा राफेल के नींबू नारियल पर कई मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को फ्रांस में राफेल विमान उड़ाया और भारत के लिए इसे रिसीव भी किया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बड़े लड़ाकू विमान की भारतीय खेमे में एंट्री इस तरह से हुई हो, जब पूरी दुनिया भारत की शस्त्र पूजा को देख रही थी। राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा करते हुए पहले राफेल विमान पर ओम लिखा, पहिए के आगे नींबू रखा गया ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे। इसके अलावा राफेल पर मीठा भी रखा गया, नारियल फोड़ा गया, यानी शस्त्र पूजा के दौरान पूरे विधि विधान का ध्यान रखा गया। लड़ाकू विमान राफेल की पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने करीब 25 मिनट तक उड़ान भरने के बाद कहा कि भारत किसी अन्य देश को धमकाने के लिए हथियार नहीं खरीदता है। साथ ही उन्होंने अपनी उड़ान को बहुत आरामदेह और सुगम भी बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं हर साल लखनऊ में शस्त्र पूजन करता हूँ, आज मैंने फ्रांस में यहाँ शस्त्र के रूप में राफेल की पूजा की। मंत्री ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं 36 लड़ाकू विमानों में से 18 विमान फरवरी 2021 तक सौंप दिए जाएंगे, जबकि शेष विमान अप्रैल मई 2022 तक सौंपे जाने की उम्मीद है। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे ऐसी और खबरों को लेकर। नमस्कार।